सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लाए आपके लिए टेक्नो का स्पार्क 10 प्रो का अनबॉक्सिंग वीडियो। और ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये इसके प्राइसिंग में 8GB रैम और 128GB रिटर्न जिस प्राइस में आया है, तो विश्वास नहीं कीजिएगा कि एक टेक्नो जैसा ब्रांड आपको इतना कम प्राइस में इतना अच्छा फीचर्स के साथ कैसे दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, किस प्राइस में आता है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन किस सब चीज़ लाया आपको इस प्राइस रेंज में, तो आप वीडियो में बने रहिए। ये वो वीडियो उन लोगों के लिए जो अंदर 10-12 हज़ार तक के रेंज में, आप 15-15 हज़ार के रेंज में जो फ़ोन खोज रहे हैं जो अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ हो, तो ये फ़ोन वीडियो उनके लिए होने वाला है। तो जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग वीडियो करते हैं। दोस्तों, एक और चीज़ यहाँ कि वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, तो जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो का बॉक्स का कुछ रिव्यू बता देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ब्रांडिंग दिया और टेक्नो का यहाँ पे जो मॉडल नंबर है, टेक्नो का जो स्पार्क 10 प्रो एडिशन है और यहाँ वेरियंट लिखा हुआ है 8GB रैम 128GB इंटरनल, अब तो 16GB रैम तक इसमें बढ़ा सकते हैं। बैक में कुछ की हाइलाइट पॉइंट दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए 32 मेगापिक्सल का AI का क्लियर कैमरा दिया हुआ, G88 का गेमिंग प्रोसेसर है और फुल HD प्लस का डिस्प्ले है, 6.78 इंच का 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है और हार्ड वेयरिंग स्टेडी ग्लास है, यानी कि प्रोटेक्शन के साथ आपको दिया हुआ है और भी बहुत कुछ है। तो जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ोन, उसको रखते हैं साइड में बॉक्स में और क्या क्या देख लेते हैं। कुछ मैनुअल की है, ये वारंटी कार्ड 12 मंथ का, और ये रहा दोस्तों सिलिकॉन बैक कवर जो कि ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी सॉफ्ट है, जो फ़ोन को बैक से प्रोटेक्ट करके रखेगा। और ये रहा चार्जर जो कि ये 18 वाट का चार्जर आपको मिल जाता तो बॉक्स में अंदर दोस्तों, और ये USB है और जो चार्जर दिया है USB to Type-C आपको केबल मिल जाता है। तो बॉक्स में दोस्तों इस तरह ही बढ़ते हैं दोस्तों फ़ोन की तरफ। तो फ़ोन का लुक एंड डिज़ाइन दोस्तों आईफोन के जैसा आपको लग रहा था दोस्तों, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ आपको आया हुआ है। डुअल कैमरा का सेटअप आपको मिल जाता है, कैमरा मॉड्यूल काफ़ी अलग तरह का दिया है आपको दोस्तों, बॉक्सी डिज़ाइन के साथ मिल जाता है। बैक में आपको एजी मैट ग्लास दिया हुआ है जो कि एंटी फिंगरप्रिंट, मतलब यानी कि आपको हाथ का दाग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो बैक में डुअल कैमरा है, यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट मिल जाता है, ऊपर की साइड में आपको एक सेंसर दिया हुआ है, सेंसर के टाइप का आपकी कैमरा टाइप का बिंदु दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा। राइट हैंड साइड में आपका सिम इंजेक्टर टूल है, तो देख लेते हैं दोस्तों ये हाइब्रिड है या नहीं, आप ही 2 SIM+ मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो इस बॉक्स में दोस्तों डेडिकेटेड स्लॉट दिया, यानी कि 2 SIM के बाद भी आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, अप टू 1 TB हार्ड डिस्क तक इसमें सपोर्ट करता है। फ़ोन को जल्दी से ऑन भी कर लेते हैं। बाकी चीज़ वॉल्यूम अप एंड डाउन अप बटन दिया और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में यहाँ पावर बटन भी दिया, और यही ये आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का काम करता है। ऊपर की साइड में कुछ भी नहीं है, नीचे की साइड में यहाँ का स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट है और हेडफोन जैक के साथ माइक्रोफोन दिया हुआ है। तो लुक एंड डिजाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये काफ़ी हैवी फील हो रहा है, पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि ये 6.78 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले आपको दिया हुआ है दोस्तों, डिस्प्ले क्वालिटी। और बेजल्स की बात करें तो काफ़ी छोटे छोटे बेजल दिए हैं, पतले बेजल हैं, चारों साइड में आपको एक ही टाइप का बेजल दिया है और एक पंचोल डिज़ाइन के साथ है। स्क्रीन की साइज़ की बता देते हैं आपको दोस्तों, फिर से 6.78 इंच का फुल HD प्लस का IPS स्क्रीन दिया हुआ है, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है और टच स्क्रीन काफ़ी फास्ट एंड स्मूथ है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। जैसे कि विजिबिलिटी के मामले में देख लीजिए, ब्राइटनेस की हालांकि थोड़ा सा मुझे यहाँ कमी लग रहा है, जैसे कि आप देख लीजिए, और बिजली में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि इंडोर लाइट में आपको जो दिया हुआ है और इसका UI थोड़ा सा अलग किस्म का है बाकी अदर फोन से। और हार्डवेयर पार्ट की बात करें तो कंपनी ने इसमें जो प्रोसेसर दिया हुआ है MediaTek का G88 का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस पे आपको काम करता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 13 मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और फ़ोन को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और
रैम और रोम की बात करें तो इसमें 8 GB पहले से दिया और अप टू 8 GB आप वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हैं, तो टोटल अप टू 16 GB आपको हो जाता है मान, यानी कि रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन दिया हुआ है। इंटरनल की बात करें तो इसमें 128 GB इंटरनल मिल जाता है दोस्तों, तो इसमें 1 TB आप तक बढ़ा भी सकते हैं। 5000mAh का बैटरी मिल जाता है और 18W का फास्ट चार्जर है और स्क्रीन का रेजोल्यूशन फुल HD प्लस आपको दिया हुआ है और सिक्योरिटी पैच वगैरह सब चीज़ दिया हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं कैमरा की, तो कंपनी ने इसमें जो कैमरा जो दिया हुआ है बैक में 50 MP का डुअल कैमरा आपको दिया हुआ है। 50 पे भी क्लिक कर लेते हैं। और फ्रंट कैमरा जो दिया हुआ है वो है आपका 32 MP का। तो कैमरा क्वालिटी इसका भी देख लेते हैं दोस्तों, तो फ्रंट 32 MP कैमरा है, क्वालिटी 32 वाला तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक ही है क्योंकि इतना कम प्राइस में 32 MP देने का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, प्योर 32 तो होगा नहीं। बैक कैमरा में आपको 50 MP का कैमरा दिया हुआ है, तो कैमरा क्वालिटी बैक का इसका काफ़ी अच्छा है, डिटेलिंग काफ़ी इनफ है, कलर भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, पोर्ट्रेट मोड सारा चीज़ आपको दिया हुआ है। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। मोड्स की बात करें इसमें तो फिल्म मोड आ जाता है, वीडियो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, सुपर नाइट मोड, सारा चीज़ आपको मिल जाता है। और वीडियोग्राफी में आपको जो फ्रेम रेट मिलता है 30 FPS पे सारे मोड में। और एक चीज़ यहाँ प्लस पॉइंट है दोस्तों, यहाँ 2K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि 1080 से ऊपर का लेवल का इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है 2K फुल HD प्लस और HD प्लस का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों कैमरा से, क्योंकि इसमें हायर मेगा पिक्सल का कैमरा आपको दिया हुआ है, तो कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक है दोस्तों। और लुक एंड डिजाइनिंग काफ़ी अच्छा है। परफॉर्मेंस तो G88 का गेमिंग प्रोसेसर दिया हुआ है जो कि 12 nm पे बेस है और हल्का फुल्का आप गेमिंग आप आराम से कर सकते हैं। UI की बात करते थोड़ा सा अलग UI आता है, जो पहले वाले माइक्रोमैक्स वाले फ़ोन में जो होता था उस टाइप का आपको जो दिया हुआ है। तो बाकी बस इतना ही दोस्तों इस फ़ोन में। और फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो मुझे पर्सनली फ़ोन का लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे इसमें टोटल 2 कलर आते हैं, एक और कलर हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। तो एक ये है इसका दूसरा वाला कलर जो कि वाइट कलर है, दोनों खूबसूरत ही कलर है। मुझे तो पर्सनली इसका वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है प्लीज़ कमेंट जरूर बताइएगा। ये पूरा लगभग आईफोन के डिज़ाइन आपको टाइप का लग रहा है दोस्तों, पूरा आईफोन 12 Pro Max 14 Pro Max जो बोल दीजिए दोस्तों, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ आया है। प्राइसिंग की बात करो तो मात्र इसमें 12499 के प्राइस में आपको आता है और ये ऑफर करता है 8 GB RAM 128 GB इंटरनल फुल HD प्लस का डिस्प्ले है, 6.78 इंच का फुल HD प्लस है, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। कैमरा जो है फ्रंट कैमरा इसमें पंच होल डिज़ाइन मिल जाता है 32 MP का, बैक में जो 50 MP का कैमरा मिल जाता है, G88 का गेमिंग प्रोसेसर है जो ठीक ठाक गेमिंग को कर देगा और 5000mAh की बैटरी के साथ 18W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। तो 12.5 हज़ार में आपके प्राइस में काफ़ी बढ़िया प्राइस में ऑफर ये फ़ोन ऑफर करता है दोस्तों। अगर आप टेक्नो का फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन ले सकते हैं क्योंकि इस प्राइस में 8 GB किसी भी ब्रांड के पास आपको नहीं मिलता है। तो ओवरऑल क्यूक रिव्यू की बात करें तो काफ़ी ओवरऑल बैलेंस फ़ोन है दोस्तों, अब 12.5 हज़ार में क्या ही चाहिए। कैमरा ऑन एंड एवरेज है दोस्तों, कि हम सीधा रिव्यू की बात करें तो बाकी सारा सब चीज़ ठीक ठाक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर बताइए और फ़ोन आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।